तुम कब जा रही हो? अगले हफ्ते। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चले गए। मैं जानती हूँ। मेरी देखभाल करने वाले वो आखिरी इंसान थे। मॉम के जाने के बाद उन्होंने हर चीज को संभाला। तुम्हारे दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते थे, और प्यार यूं ही खत्म नहीं होता। सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो। क्यों? तुम जानती हो ये तुम्हारी रक्षा करेगा ट्रिप पे। ओके। तो ब्रेडन नहीं आ रहा तुम्हारे साथ? नहीं, वो काम में बिजी है। वो अपना काम पूरा करके आ जाएगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं नहीं जा सकती। क्लासेस शुरू होने से पहले इसे बेचना है। मैं इसे रख नहीं सकती, वो भी टैक्स के साथ। क्या तुम अकेली ठीक से रह सकती हो? मैं ठीक हूँ, ये बस एक घर है। क्या तुम ठीक हो ट्विकी? चलो थोड़ा घूम कर आते हैं।
अरे नहीं, सबसे पहले तो हमें इन टूटी हुई सीढ़ियों को ठीक करना होगा। क्या तुम ठीक हो? मैंने अपने घुटने को लगभग तोड़ ही दिया। वो बात मुकदमा होने की प्रतीक्षा में है। ड्राइव कैसी रही? पीछे दर्द हो रहा है। 4 घंटे लगे मुझे सैन जोस में ट्रैफिक से गुजरने के लिए। ये बहुत डरावना है। ये डॉल मेरी मॉम की थी। ओह। लेकिन हाँ, थोड़ी डरावनी जरूर है। ये बहुत ही छोटा है। देखती हूँ अगर दूसरा कोई मिल गया तो। हेलो, हाय, 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 मैं डेविड हूँ। मैं एलिसा। तुम नई पड़ोसन हो ना? कुछ टाइम के लिए, हम इसे बेच रहे हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एक पहाड़ की चोटी पर है, डेड एंड स्ट्रीट। जिमी बहुत भाग्यशाली था जो उसे मिला। तुम जानती हो उन्हें? वो मेरे दादाजी थे। ओ,
मुझे दुख है उसके जाने का। मुझे याद नहीं है मैंने तुम्हें कभी देखा है या नहीं। अक्सर दादाजी ही मुझसे मिलने आया करते थे। क्या आप उनके दोस्त हो? बहुत अच्छा पड़ोसी था वो सच में। शायद मुझे जाना होगा। हाँ जरूर, तुमसे मिलकर अच्छा मुझे लगा। बहुत गर्मी है यहाँ, जरा सावधान रहना। क्या तुम जानती हो इस जगह के दो पहचान हैं? सामने हाईलैंड पार्क और पीछे ईगल रॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दादाजी ने ये बंद क्यों कर दिया। हाईलैंड पार्क ईगल रॉक की तुलना में बहुत गर्म है। मैं सोच रही हूँ कि बिक्री का आधा पैसा अपने दादाजी की चैरिटी को दान में दे दूं, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे दादाजी चाहते तो वो इसे सेट कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे तुम्हें मिले। ये तुम पर निर्भर है, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, जैसे उस क्लंकर को बदलने के लिए जो अपना रास्ता नहीं बना सकता। हाँ। तुम्हें जल्द ही डिसीजन लेना चाहिए। मैं तुम्हें अगले हफ्ते मिलता हूँ। तुम्हें जानने से पहले ये यहाँ होगा। संभल कर जाना। शायद मेरी इस मशीन से ये ठीक हो जाए। ये यहाँ से ठीक होने वाला नहीं है। हमें नीचे जाकर मेन पाइप को ढूंढना होगा। यहाँ होना चाहिए। हाँ, शायद हमें मिल गया। पानी के साथ कूड़ा आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्न है। देखता हूं इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसकी सफाई करनी पड़ेगी। हो जा। तो ये है वजह, देख रही हैं? इस तरह की चीजें यहां बनती रहती हैं। कुछ और देखते हैं। ओह, तो यहां पे प्रेशर आता है। क्या आप एक बाल्टी ला सकती हैं? हाँ, मैं लाती हूँ। आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम। आ जाओ।
का काम हो गया? मुझे तुरंत कहीं जाना है, हम इसे बाद में कर लेंगे, ठीक है? और आपके पैसे तो लेती जाइए। वो फिर कभी ले लूंगा। मैं ठीक हूँ, बस अकेले उस घर में नरक जैसा डरावना लग रहा होगा ना तुम्हें। नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, क्या तुम यहाँ आ सकती हो जब तक ब्रैंडन यहाँ नहीं है? उसके मुस्कुराते चेहरे की याद आ रही है तुम्हें? शेफ। ओके, अगले हफ्ते गर्ल्स नाइट। ग्रेट। मैं अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। हम जगह को बदलना चाह रहे हैं इसलिए। वो उस तरफ है। ओके। सुनो, तुम्हें उन्हें रात के लिए रखना चाहिए, जब सब लोग आ जाएंगे। सब लोग? पड़ोसी, तुम्हारी हाउस वार्मिंग पार्टी। क्या आप इसे बेच रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर आप एजेंट कमीशन से बचना चाहते हैं तो हम कुछ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इसके लिए घर में और भी जगह है। ठीक है। सबसे अच्छा तो नहीं है। वो मैं उत्सुक था। दादाजी की मृत्यु कैसे हुई पता है? हार्ट अटैक था। उसे हार्ट अटैक हुआ क्योंकि उसने काम करना बंद कर दिया था। देखो, एक वजह है कि हम सभी को यहां इस बेकार ग्रह पे रखा गया है। पहला कदम ये पता लगाना है कि वह वजह क्या है। दूसरा कदम एम्बेरेस होना। हाँ, और तुम इसे रोक नहीं सकती। देखो, रिटायरमेंट। हाँ, रिटायरमेंट। मौत है, इसे मत भूलना। हाँ ठीक है, इसके साथ ही मुझे लगता है ये मेरे जाने और रिटायर्ड होने का समय है, है ना? मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा आराम से, धीरे धीरे। गुड नाइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये प्लांटर्स यहाँ है। हाँ, हम सब कुछ बेच रहे हैं। हमें बताइए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। पहले आप बताइए, अगर आपको पसंद है तो आप बता सकती हैं। देखा यहाँ कोई और नहीं है। आपने क्या देखा? वो बहुत अजीब सा था।
क्या हुआ? मैंने यहाँ कुछ देखा। क्या देखा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई तो यहाँ था। यहाँ पर कोई नहीं है। तुमने क्या देखा? पर्दा। ये क्या? ये मेरे चारों ओर लिपट गया था, मैंने महसूस किया। ये हवा है। बिस्तर पर वापस आ जाओ। मैं जल्दी निकल रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना सामान स्टोर में ले जा रहा हूँ। क्या? मैं लीज से बाहर निकलने में सक्षम था और मैं जेरमी के साथ काम करने की सोच रहा हूँ। अगर हम इस जगह को बेचते हैं, पैसे लेते हैं, अपनी जगह ढूंढते हैं, अपने जीवन को एक साथ शुरू करते हैं। आशा है कि हम अगले सप्ताह तक ये स्थान तैयार कर लेंगे और इसे बाजार में ला सकेंगे। मिलते हैं। ये जगह अच्छी है, मुझे ऊंची सीलिंग पसंद है। वाओ, ये सब उसने तुम्हें दिया? हाँ हाँ। ओ गॉड, वो एक पैक चूहा थे। ये एक कोठरी की तरह है। शायद यहाँ नीचे कुछ रखा हो। यहाँ एक मैच होना चाहिए। हो सकता है। क्या तुमने कुछ सुना? चलो भी, तुम बिल्कुल अकेली हो इसलिए तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं। शायद उसकी वजह है क्रैक और पॉप्स। हाँ, और एक छोटा सा चूहा। तुम्हारे दादाजी के पास एक बिल्ली थी ना? कभी नहीं, उन्हें उससे एलर्जी थी। शायद वो आवारा थी। क्या हुआ? यहाँ पर कुछ है। ये बल्ब लूज है। हाँ, मैं कहूंगी कि तुम्हें एक स्क्वेटर मिला है। स्क्वेटर? वेल, ये जगह काफी दिनों से खाली थी, राइट? शायद तुमने उसे डरा दिया है, या शायद यहां पर कुछ और भी है। क्या तुम भूतों में विश्वास करती हो? कभी कभी, देर रात जब मैं अकेली होती हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक नेगेटिव एनर्जी पर विश्वास करती हूँ, और वो हम फिक्स कर सकते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? घर साफ कर रही हूँ। कितना वक्त लगा उन्हें ये घर ढूंढने में? बस कुछ हफ्ते। मैंने उन पर पुलिस जांच लगा दी थी। क्या उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी? नहीं, लेकिन उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। तुमने कभी बताया नहीं मुझे? मुझे भी नहीं पता था जब तक मुझे उनकी दवाइयां नहीं मिली थी। वो पहले से ही मर रहे थे। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने थे। क्या तुम श्योर थी कि यह हार्ट अटैक था? मैंने कंफर्म किया था। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा काम कर लिया होगा, और मुझे लगता है कि यह आखिरी चीज थी जो उन्होंने पहनी थी। शायद वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है यहाँ पाइप में कोई प्रॉब्लम है। हमें ढूंढना चाहिए। उस दिन ये पाइप लंबे काले बालों से भरा हुआ था। ओके, ये अजीब है।
उनमें से कुछ अभी भी इधर उधर होंगे। यहीं रुकना तुम। सकता है वो यार्ड में काम ना कर रहे हों। देखो ये वही मिट्टी है जो यहाँ पर है। क्या हुआ? तुमने कुछ देखा यहाँ? क्या देखा? वो एक शैडो की तरह था और मुझे कुछ हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ कुछ दफन करने की कोशिश कर रहे थे? शायद तुम सही कह रही हो। आज रात हमें यहीं सोना होगा। क्यों? शायद तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाए। खैर वो जो भी हो, तुम अपने दादाजी की इकलौती पोती हो और उनका खून तुम्हारी रगों में बह रहा है, और इसी नाते तुम्हें सच का पता लगाना होगा, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वेल, तुम्हारे पास जो स्वेटर था वो चला गया है। क्या ये तुम्हें ऊपर मिला था? ये मेरी माँ की थी। मेरे दादाजी से जितना हो सका उन्होंने हमारी चीजों को बचाने की कोशिश की। शायद ये तुम्हारी मॉम है। क्या? भूत? स्टेफ, नहीं, सीरियसली, शायद तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम्हें ये डॉल मिले। वो इसके जरिए तुम तक पहुंचना चाहती हैं। शायद उनकी कोई चीज यहां पर रह गई हो, या फिर कुछ ऐसा जो वो तुम्हें देना चाहती हो। क्या तुमने कोई सपना देखा था? एक सपना जो मुझे याद है वो ये है कि कोई हॉल से नीचे उतर रहा था और सिल्वर मेडल के साथ एक बैग ले जा रहा था, और फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जाग गई। फोटो? क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? मुझे नहीं पता, ये बहुत पुरानी फोटो है।
स्टेफ, स्टेफ, उठो, उठ जाओ। लाइसा, उठो लाइसा। क्या है? लाइसा, कल हमने उस घर को ठीक से बंद किया था ना? लाइसा, मुझे लगता है उस जूतों में पेंट घर की सफाई के दौरान लगा होगा। फोटो, वो फोटो कहाँ है? मुझे नहीं पता। कुछ हुआ है क्या? तुम श्योर हो कि वो एक सपना था? मैं श्योर हूं कि मैं उठ गई थी। वहां पर कुछ तो था। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है? अगर ये सिर्फ एक ख्वाब है तो ये सच नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो सच है। वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं और उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वीकेंड तक क्या करना चाहिए। सबसे पहले सारे ताले बदल दो, बिकॉज वहां एक स्क्वेटर था। हो सकता है तुमने उसे भगा दिया हो, या शायद नहीं भी। और अगर वो स्क्वेटर नहीं था तो फिर ये भूत हो सकता है। या तो वो यहाँ बाहर है या फिर तुम्हारे दिमाग में। तो फिर ठीक है, सब सेट हो गया है। मैं तुमसे बस एक कॉल की दूरी पर हूँ और मैं ये चाबी का सेट रख रही हूँ। मुझे जरूर कॉल करना। हाँ बिल्कुल। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो ट्विकी, ऐसा ही लगता है। चीजों की कल्पना कर रही हो, मैंने घर में कुछ नहीं देखा। तुम वहाँ बहुत कम रहे हो। मुझे पता है कि तुम अपने दादा और घर के लिए दोषी महसूस कर रही हो, लेकिन वो मर चुके हैं। तुम्हें ऐसा महसूस करना नहीं चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया। तुम सिर्फ पैसों की बात कर रही हो। नहीं, वो उनका प्यार था मेरे लिए। मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। एक दो दिनों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। आज रात वहीं सो जाओ। तुम दिन के उजाले में घर वापस जा सकती हो। मैं वापस नहीं जा रही हूँ। तुम्हें जाना चाहिए। बेवकूफ, yeah।
मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। एक डॉक्टर के रूप में मुझे पता है कि ट्यूमर सुनने और देखने का इल्यूजन पैदा करता है, लेकिन ये रियल जैसा लगता है। क्या ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे मिल रही है? मेरी एकमात्र संपत्ति एलिसा है, वो मेरे प्यार को समझती है और मुझे याद रखेगी। वो मेरी सभी असफलताओं और दोषों के लिए एकमात्र विरासत है। बस कोई चॉइस नहीं है, मुझे वापस जाना है, कुछ ढूंढना है। लाइसा तुम क्या कह रही हो? मेरे दादाजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे जानना है कि वो वहाँ क्या ढूंढ रहे थे। उन्होंने कुछ देखा, मैं जानती हूँ। उन्होंने जैसा महसूस किया वही मैंने भी महसूस किया है, इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ जब तक मैं अपने दादाजी की मौत की वजह नहीं ढूंढ लेती हूँ। लाइसा मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। ये सब कुछ मुझे करना है और मैं करके रहूंगी। बेसमेंट। तुम्हारे घर में और पाइप से जो आवाजें आती हैं वो कहीं नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर। क्या तुमने उसे देखा?
क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एक आदमी जो घर के नीचे छिपा हुआ था। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे दादाजी ने घर के सामने वाला गैराज बंद कर दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। हो सकता है सड़क पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वो डरते थे या उसे पसंद नहीं करते थे। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। स्कैटर अभी भी वहीं पर है? नहीं, मैंने उसे भगा दिया। तुम वहाँ नहीं रह सकती हो। मुझे रहना होगा। मैं इस मामले के बहुत ही करीब हूँ। मैं पता लगा सकती हूँ अगर मुझे नाम या डेट कुछ पता चल जाए तो। मुझे ये करना ही होगा। ओके, मैं अभी आती हूँ। तुम घर पे ही रहना और दरवाजे लॉक कर लेना। हाँ। मैं अतीत से बच नहीं सकता। चुमर की तरह मैं चाहता हूँ कि इसे भी बाहर निकाल दिया जाए, इसे पूरी तरह हटा दिया जाए, लेकिन ये मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ है। केवल एक चीज है जो मुझे एलिसा के लिए डराती है। कनेक्शन अभी भी मौजूद है। उसे यह शापित घर बेचना ही होगा।
सिस्टर, तुमने डरा दिया। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई आने में। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या तुम ठीक हो? ये उनका है? मैं इसके बारे में श्योर हूँ। मुझे ये सामान सब क्रॉल स्पेस में मिला है। ये वही है जो मैंने देखा था। ये कोई चेहरा नहीं, मास्क है। और ये उसके साथ थे। ये क्या है? ये नेल पॉलिश है। सभी बॉटल्स कहाँ हैं? ये एक जैसी है। ये सब मैच कर रहे हैं। ये सेम है। ये सब जो कुछ भी है, इससे भूतों का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझो, तुम्हें जो भी क्या, ये पाइप है। उसे बाहर निकालो। मुझे ये नेल पॉलिश और मास्क वहीं से मिले हैं। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं। वहां कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या हुआ? हमें एक हथौड़ा चाहिए। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ऊपर पुश करो। क्या है वहां? एक सूटकेस। मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये वही बैग है जो मैंने सपने में देखा था। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब वो सपना नहीं था। शायद तुम्हारे दादाजी यहां पर कुछ खोज रहे थे।
ये एक ठोस चट्टान लग रही है। मैं कुछ समझी नहीं। शायद ये वही बैग है जो वो तुम्हें देना चाहते थे। हो सकता है ये सब मजाक हो। जब मेरे दादाजी मरे तो वो कुछ खोज नहीं रहे थे, वो कुछ छिपा रहे थे। ये सब तो चट्टाने हैं जिसके ऊपर ये घर बनाया गया है। और वो देखो, बाथरूम यहाँ से ठीक नीचे है। और वो रहा बाथटब। आराम से जाना। क्या है उसमें? मरी हुई बिल्ली। शिट। लेकिन कोई मरी हुई बिल्ली क्यों रखेगा? वो इसे इस तरह क्यों छिपाएगा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे संभाल के। मैं ठीक हूँ। कितनी बिल्लियों को उन्होंने मारा है?
मां ने ऐसा क्यों किया? सेफ,
वो मास्क तुम उसके पीछे छिपे हो डेविड। तुम अपना मास्क हटा दो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। नहीं, ये पवित्र मास्क है जिसे मैं हर दिन पहनता हूँ। दयालु बूढ़ा बीमार आदमी, इससे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तुमने उन्हें मारा है, मेरे दादाजी के साथ। वो मेरे चचेरे भाई थे, बहुत चालाक। बचपन से ही मेरे गुरु थे। उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ क्योंकि मैंने बिल्कुल सही घर डिजाइन किया था। हम लोग एक टीम बन गए। जब तक तुम बड़ी नहीं हुई, हाँ, वो तुम्हारी वजह से रुक गया था। तुम बड़ी हुई और एक प्यारी लड़की बन गई। वो मुझे प्यार करते थे। उसने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। जब वो मर रहा था, उसे इतना ही ख्याल था कि तुम उसे कैसे याद करोगे। एक दयालु बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसकी विरासत, झूठी विरासत। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि उसने अपनी सारी ट्रॉफियां बाकी बचे डीएनए को कहां रखा है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुमने उन्हें उजागर किया, मुझे रिटायरमेंट से बाहर करने के लिए मजबूर करने के लिए। सांस लो। ये खत्म होने वाला नहीं है। इसे करने का एक तरीका है, एक सही तरीका इसे करने का। मैंने और जिमी ने मिलकर स्टेप्स को पूरा किया है।
शुरुआत में यह बहुत तेजी से खत्म होता था, फिर हमने इसे सीखा कि इसे आखिरी तक कैसे रखें। क्या तुम एक स्टेप मिस नहीं कर रहे हो? तुम्हें उसके साथ क्या करना है? तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? अगर मुझे कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारे हाथ मेरे दादाजी के बिना मेरे लिए नहीं उठ सकते हैं? हाँ बकवास बंद करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जिमी और मैं हमेशा तुम्हारे जैसे लोगों से निपटना जानते थे। अलिसा, 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 क्या सब ठीक है? सब ठीक तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कांच टूटने की आवाज आई थी। अलिसा कहाँ है? मैं नहीं जानता, मुझे शोर सुनाई दिया था, बस वही देखने आया था यहाँ पर। लास्ट टाइम आपने उसे कब देखा? ब्रैंडसन, मुझे नहीं पता, एक या दो दिन पहले मुझे ऐसा लगता है। ब्रैंडसन, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। चिंतित? हाँ, वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। वो क्या उसने दीवार गिराने की बात कही थी? क्या तुमने ऐसा कुछ देखा क्या? हाँ, उसने वास्तव में यहाँ एक दीवार को फाड़ दिया और उसके बाद नहीं,
तुमने फिर से गड़बड़ कर दी, जैसा तुमने पहले किया था। बस ये आखिरी है और मैंने उसे मार डाला। ये उसके साथ कभी खत्म नहीं होना चाहिए था और ये नहीं होगा उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। लीजा, लीजा, जरा रुको, तुम ठीक हो जाओगी। जरा संभल कर, वो अब नहीं उठ पाएगा। मुझे लगता है अब तुम्हारा घर क्राइम सीन नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए। मैंने घर को साफ करने के लिए किसी को काम पर रखा है। मेरा हिस्सा मरने वालियों के परिवार के पास जाएगा, ये पहचान कर कि वो लोग कौन थे। पर इससे वो वापस तो नहीं आएंगे? हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता उस घर को कोई खरीदेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर शायद कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा।